जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। मेरी तो फिलहाल इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं रात को बाहर टेंट में रुक पाऊँ। और पूरे रास्ते में लोगों ने इतनी बढ़िया बढ़िया लोकेशन पे इतने अच्छे अच्छे घर बना रखे हैं, और मुझे सोच के अफसोस हो रहा है कि मतलब किस तरीके से इस जगह का यूज करा हुआ है कि मतलब मन कर रहा है देखते रहो। ये FRI तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ओरिजिनल होगा। बोलेगे कि मेरे को नहीं ले गए, इधर उधर भटकने की नौबत आए। गौरी बता क्यों नहीं आ रही, तो तैयार करने के बाद कह रही मैं नहीं आ रही। हाँ, मना बता क्यों नहीं आ रही है। हाँ, पार्क में हमारे साथ चलना। हाँ, तो बोलेगी कि हमको नहीं ले जाया, ये तो कुछ खाना चाहिए। पहले बता रहे ये तैयार हो रखी है, चल। हाँ, तैयार हो रखी है। गौरी बता क्यों नहीं आ रही है, पार्क में ही जाएगी हमेशा क्या। सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा मेरी गाड़ी हमेशा चलती ही रहती है, वैसे हम लोग आज किमाड़ी की तरफ जा रहे हैं। जो बच्चे हैं उनके चाचा हैं वहाँ पर, हमारे मतलब मेरे जीजाजी लगते हैं, तो उनका एक कैफे है वहाँ पे किमाड़ी की तरफ। तो हम लोग निकल रहे हैं स्कूटी से, इसलिए मैं बिल्कुल पैक होके आ गई। वरना आपको वरना आपको पता ही है कि मेरी आवाज पे कैसा असर पड़ता है किसी भी चीज का, तो इसलिए मैं बिल्कुल पैक होके आ गई। और देविका को भी मैंने तैयार कर लिया है यहाँ पे, वो भी चलेगी चाचा के यहाँ। गौरी नहीं जा रही है, और मुझे मेरे को चाचा ने बुलाया है, गौरी नहीं जा रही है। उसने बोला मैं पार्क में जाऊंगी, तो हमने बोला तू क्यों नहीं जा रही है। हमारे ससुर बोल नहीं नहीं मैं पार्क में जाऊंगी नहीं, गंदी हो जा भी नहीं। तब बोलेगे कि मेरे को नहीं ले गए, मेरे को नहीं लेके गए, और मेरे लिए चीजें ला रखे, और दिव्या को वहाँ पे घुमाया। इन दोनों का आपस में चलता ही रहता है। गौरी को हम लोग क्या करते हैं, पहले तैयार कर देते हैं, बाद में उसका मन सा नहीं होता है, और तब बाद में जब हम लोग वापस आ जाते हैं तब कह रहे तुम मेरे को नहीं लेके गए। हमारी हर बिल्डिंग के नीचे एक एक पार्किंग होती है जहाँ पर की स्कूटी वगैरह रखते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी ये है कि मैं इस स्कूटी को कैसे बाहर निकालूंगी। पहले क्या होता था कि मेरे को यहाँ पे आने में डर लगता था कि स्कूटी से, लेकिन मैं भी अब लड़के होते हैं ना कि मतलब कई लोग कहते हैं कि लड़कों को रास्तों का कैसे पता चलता है, तो कई लड़के कमेंट कर रहे थे कि हमें पता नहीं होता है, हम बस निकल जाते हैं, हमें पता है कि ये गली कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगी। ठीक उसी तरह से आजकल मैं भी स्कूटी से निकल रही हूँ कि यार चल लेती हूँ, कहीं भी पूछ के कहीं भी गली निकल जाएगी और पहुँच ही जाऊंगी। तो ठीक उसी तरह से अब मैं आ गई हूँ मसूरी से, काफी नजदीक, और यहाँ पे देखो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये चारों तरफ देख रही है, बोल रही कितनी अच्छी बिल्डिंग है, हमारे सामने ये बिल्डिंग है इतनी प्यारी है। किसने बोल दिया मौसी कितनी अच्छी बिल्डिंग है यहाँ पर, खाने के लिए बुलाएगी। हाँ, खाने के लिए आगे देंगे बाजार से। हाँ, देंगे अभी। और यहाँ पे इतनी अच्छी बिल्डिंग है, मासी के पास पैसे भी है और मासी के पास फोन भी है गूगल करने के। हाँ हाँ, बाद यहाँ पे दो चीजें हैं, इसने बोला बिल्डिंग देखनी और मुझे यहाँ पे बनी हुई ये पेंटिंग देखनी थी, कि मतलब मैं क्या बताऊँ कि जिन्होंने ये बनाया होगा ना, मतलब इतने कैसी कलाकारी होगी उनके हाथों में, और कितने तरीके से उन्होंने छोटे छोटे डिजाइन निकाले हैं कि मतलब मन कर रहा है देखते रहो। ये FRI तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ओरिजिनल होगा, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर सेम चीजें, और ये बढ़िया से हाथी, ऐसा लग रहा है ये रियल है भाई। गौरी नहीं आई, अगर गौरी भी आती तो उसको बहुत मजा आता यार। हाँ भाई, तो आई नहीं, घर जाके बोल दिया कि मुझे नहीं ले जाया। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता है मसूरी जाने के लिए जहाँ पे कि लिखा हुआ है मसूरी 32 किलोमीटर है, और एक ये है किमाड़ी के लिए, यहाँ पे किमाड़ी 10 किलोमीटर लिखा हुआ है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तेल केवल इतना ही है, और मैंने भराने की तो सोची थी लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि आगे होगा नहीं, मुझे लगा आगे मिल जाएगा। किमाड़ी जाने के रास्ते पे हमें यहाँ पे एक खूबसूरत सी लोकेशन मिली है, इसको देख के मुझे एक जगह की याद आ रही है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ जबकि आई नहीं हूँ। ये किसी जगह से मिलती जुलती जगह है सेम, और यहाँ से हम लोगों को दिखने लग गया है मसूरी। ये देखिए, ये पूरी पहाड़ी मसूरी है, और पूरे रास्ते में लोगों ने इतनी बढ़िया बढ़िया लोकेशन पे पूरे जंगलों के बीच इतने अच्छे अच्छे घर बना रखे हैं कि देख के लगता है कि कितने मजे से रहते होंगे ये लोग। और अभी कुछ कुछ मकान नए भी बन रहे हैं, अभी कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये पूरी जगह नए नए मकानों से भर जाएगी। पहुँचेंगे अभी 2-3 किलोमीटर रहते, सब लोग जा रहे हैं बगल पे, देख सारी स्कूटी बाइक वही जा रही है।
तो फिर हम लोग पहुंच गए हैं अपनी फाइनल लोकेशन पे जो कि है आशियाना कैफे। और पहले क्या हो गया था, हम लोगों के साथ एक दो प्रॉब्लम हो गई थी। हम लोग यहाँ से चले गए थे 3-4 किलोमीटर ऊपर, क्योंकि बात जीआईजी से हो नहीं पाई और हम लोगों को पता ही नहीं था। उन्होंने कहा किमाड़ी में है और हम लोग 3-4 किलोमीटर ऊपर चले गए लास्ट किमाड़ी तक। लेकिन अब हम लोग फिर पूछ के कि आशियाना कैफे है तो 4-5 किलोमीटर नीचे आ गए हैं और ये है बहुत ही प्यारी लोकेशन पे। इसको कितनी चिंता हो रही थी कि हमारे पास तेल नहीं है, तो वहीं पे हम लोगों ने सोचा, वैसे तो तेल इतना था ही, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि भरा देते हैं, क्या पता कहीं इधर उधर भटकने की नौबत आए और हमें रास्ते का कुछ पता नहीं, बात हो नहीं पा रही है। तो इसलिए हम लोगों ने तेल भी वहाँ पर से लेके, मतलब वहाँ पे सुविधाएं थी, हम घर जाएंगे तो हमारे पास ज्यादा तेल भी है। यहाँ पे कर दी हम लोगों ने स्कूटी खड़ी और अब हम जाते हैं आगे। ये देखिए कितनी प्यारी लोकेशन है और देखिए किस तरह से दिमाग लगाया गया है, कैसे जगह का यूज करा हुआ है। मतलब पूरे जंगल के बीच में यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं, बैठने की व्यवस्था की गई है और इसको एज अ रेस्टोरेंट, ओपन रेस्टोरेंट यूज किया गया है, जहाँ पे कि आप कहीं पे भी जगह चूज करके बैठ सकते हैं। और अगर आप रात को यहाँ पे रुकना चाहें तो आपके लिए टेंट भी है। तो फिलहाल मैं बैठी हुई जीआईजी के साथ, तो हम लोगों ने मस्त अपनी बातें कर ली हैं। और आपको बता दूं मैं कि आशियाना कैफे में हम लोग हैं। पहले तो जीआईजी को बधाई अपना काम शुरू करने की, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, कहीं और से भी सुनने को मिला, आपसे भी सुनने को मिला। तो हम लोग चले गए थे ऊपर क्योंकि यहाँ पे कॉल लगता नहीं है, भले यहाँ पे वाईफाई फ्री है लेकिन कॉल लगता नहीं है। तो आप लोकेशन एग्जैक्ट बता दीजिए। तो मेरा लोकेशन आशियाना जंगल कैफे नाम से है मेरा, और आप लोकेशन आ सकते हैं जेएसआर इन से 2 किलोमीटर आगे है। अच्छा। जो आपको अगर आप बिंदास से आओगे तो आपको राइट हैंड पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को लोकेशन देखनी है, जब भी आए तो वीडियो देख के आए। और कैफे में रहने के बाद अगर आपको यहाँ पे रात हो जाती है या फिर आपका यहीं पे रहने का मन करता है, रात का व्यू देखने का मन करता है, तो आप इन टेंट में रुक सकते हैं रात को, जहाँ पर कि आपको बहुत मजा आने वाला है। मुझे पर्सनली टेंट में रहना इतना मजा आता है कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा सेम टेंट एक मेरे पास भी है, कभी मौका मिलेगा, ठंडियों में तो नहीं लेकिन गर्मियों में रुकने के लिए बढ़िया है ये मजेदार। ये तोड़ना मत, भागा जाता। मेरी तो फिलहाल इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं रात को बाहर टेंट में रुक पाऊँ, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी है नहीं, मुझे बहुत ठंड लगती है। तो मुझे पूरी व्यवस्थाएं चाहिए सोने के लिए ठंडियों में, तो पूरी रजाई अच्छी व्यवस्था, वरना तो मेरी कुल्फी जम जाती है। मेरी तो आवाज़ अभी तक भी, मतलब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ आई हुई है, पूरे शॉर्ट्स में आई हुई है, ठंडियों का मौसम है। ऐसा भी नहीं है गाड़ी से आई हुई है, बिल्कुल वो लोग स्कूटी बाइक से आ रहे हैं लेकिन प्रॉपर शॉर्ट्स पहन के आ रहे हैं, लेकिन मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो इतने कपड़े ही पहन रखे थे, वो भी स्टॉल भी डाला हुआ था, तभी मेरे को था कि ठंड लग गई, तो इसलिए मैं तो नहीं रुक सकती। लेकिन गर्मियों में मैं यहाँ पे कभी रात को जरूर रुकूंगी टेंट में। और मुझे सोच के अफसोस हो रहा है कि मतलब किस तरीके से इस जगह का यूज करा हुआ है, मतलब बिल्कुल यूजलेस जगह थी, लेकिन लोगों को आजकल ऐसी जगहों पर रहने में बहुत मजा आता है, जहाँ पर कि उन्हें जंगल का व्यू मिले, अच्छा पहाड़ों के बीच रहने को अच्छी हवा मिले। चाचा मुझे मैगी। हाँ तो जहाँ भी जाएगी इतनी चॉइस है, पर इसको मैगी ही खानी है। हेलो मेरी तो कॉफी आ गई है क्योंकि मेरे को यही इम्पोर्टेंट है आजकल ठंडियों में, लेकिन यहाँ पे देविका की आ गई है मैगी, इसको जहाँ भी जाओ मैगी ही चाहिए। चाचा ने खुद थोड़ी बना रखे, वो तो किसी और ने बना रखे हैं। कैसे हैं? टेस्टी, खा तो ले। देखो चाचा इसको पानी पिलाएंगे, पानी पिएगी। चलो फिर ठीक है जिया जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तब लोग आएंगे तो बताना, ठीक है? ओके ओके। हम लोगों ने तो कैफे में काफी चीजें खा ली थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग गौरी लोगों के लिए गोलगप्पे पैक कर लिए हैं, क्योंकि वो भी गोलगप्पे की शौकीन है थोड़ा सा। तो गौरी खा रही है यहाँ पे गोलगप्पे, हम लोग उसके लिए गोलगप्पे ले गए। मैंने सुना वो पार्क में भी नहीं गई। गौरी क्यों नहीं गई? अब मेरे साथ भी नहीं आई तो क्यों नहीं आई हमारे साथ? हमने कितने मजे किए वहाँ, पता? ये माला क्या है? तो क्यों नहीं आई तो हमारे साथ? गंदा लगता है, गंदा लगता है। या अपनी आंखों से तो ये चीज दिखती नहीं है, लेकिन जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो हमेशा मुझे चंद्रमा के बगल पे सूर्य भगवान जी दिखते हैं। ये देखिए जूम करके दिखा रही हूँ, कितने पास में है, और सामने से तो दिखेगा नहीं क्योंकि सूर्य भगवान का तेज ही इतना ज्यादा है, लेकिन देखिये कितने पास में है चंद्रमा। और मैं तो दिन भर इधर उधर जाती रहती हूँ, लेकिन ये है मेरी किताबों का ढेर, मतलब जिसका कि मेरे सर पे बोझ है, पर पता नहीं कब पढ़ना है मैंने इनको, क्योंकि अगर मैं इस भरोसे रही कि मेरे को पढ़ने के लिए पूरा दिन मिलेगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब 36 जगह हाथ मारो, 36 काम करो, तो एक ही चीज पे पूरा फोकस हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट।